नमस्कार भैया बहनी, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। गोरुवन का चराबाई निकले युवक के धारदार औजार से मार के हत्या के दिन गए। अपना बताइए कि घटना की जानकारी लगता है क्षेत्र में सनाका खींच गया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस का सूचना दी। जाने के बाद पुलिस मौका मुआयना कर के आरोपी की गिरफ्तारी खातिर नाकेबंदी करी निभा। यह मामला मनगवा थाना क्षेत्र के कुया खुर्द गाँव के बतावा जाता है, जहाँ सोन कुमार यादव उम्र 19 वर्ष निवासी उमरिया दुआरी थाना गुढ़ अपन बकरी लई के कुइया गांव चरावे रहे, जहां ढाढ़र के रहे वाले बकरी चरवाहन से पत्ती का तोड़े के लाने विवाद होगा। और यही समय दोनों युवक मिलके युवक पर टागी से हमला कर दिए, जवने के बाद युवक मौके में ही धराशायी होगा। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष सत्येंद्र तिवारी के आह्वान में प्रदेश के सभी जिला के नाई रीवा में जिला अध्यक्ष नरेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में ही विवेकानंद पार्क में बैठक आयोजित की गई, जोने में जिला के सभी के पदाधिकारी और सैकड़न NPS कर्मचारी मौजूद रहे। अपना बता दें कि प्रांतीय निर्धारित एजेंडा में ही चर्चा करके जिला का मजबूत बनावे के लाने सभी साथी अपन सुझाव रखी। साथ ही बजट सत्र के पहले विधानसभा में पुरान पेंशन व्यवस्था का बहाल के लाने संकल्प पारित करावे हेतु प्रदेश के सलगे विधायकन के घरे में धरना दे के ज्ञापन सौंपे के रणनीति बनाई गई है। क्या नाम है आपका? श्रीमती राधा जी। आप बताएं आपको कितनी पेंशन मिल रही है? 300 तो मिल रहा है महीने, 300 में क्या होता है, 1000 के टूट आधा किलो की जाती। कितने साल आपने सेवा किया? हम 16 साल। सन 2006 में हमने हमारी नियुक्ति हुई विकलांग कोटा में, तो केसली ब्लॉक जिला सागर में नौकरी किए थे, तो 2500 रुपये मिलता था। 6 साल बाद आपको अब कितनी पेंशन मिल रही है, मिलेगी? 300 रुपये। 15 साल की तो कटा, 15 साल में 6 साल तो मिले। आपका जीवन कैसे गुजरेगा, किस स्थिति पे आप है, कोई संदेश यदि प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहती हैं मुख्यमंत्री तो आप बताएं। निवेदन करना चाहती हूँ कि OPS किया जाए, ताकि हम सब लोग सब शिक्षक जी सकें, क्योंकि अब बुढ़ापे में शिक्षक की गरिमा भी नष्ट हो रही, हम काम करने लायक हैं नहीं, विकलांग हैं, असहाय हैं, विधवा के समान ससुराल मेरी जिंदगी जी। और हम ज़्यादा क्या मुख्यमंत्री जी से बताएँ, क्योंकि बताने की बात नहीं मुझे, इसलिए हम लोग पेट पर। रीवा माही एक बस चालक के लापरवाही के कारण यात्रियों के जान खतरे में पड़ गए। अपना बता दें कि हनुमाना से आवे वाली गौतम ट्रेवल्स के बस रतहरा बाईपास में ही डिवाइडर से टकराए गए, जोने के बाद चालक मौका से फरार हो गया। वह घटना के जानकारी वहां आसपास के लोगों के लगी, ता घायलन का ही बाहर निकालें और अस्पताल पहुंचाई। में अपना बता दें कि घटना में ही सभी यात्री सुरक्षित हवा, वहाँ यह असल की घटना बस चालक के लापरवाही के कारण हो बताई जाती है। खबर मऊगंज से ही है, जहां जिला निर्माण संघ परिषद के अध्यक्ष संतोष मिश्रा पत्रकार वार्ता के आयोजन करें और वार्ता में ही मऊगंज का जिला बनावे के मांग कल के अपन आवाज बुलंद करें। अपना बता दें कि मिश्रा नेतन पर निशाना साध के कहें कि मऊगंज के साथ भेदभाव होदला है, यहां के सत्ताधारी नेता यहां तक के शिवराज सिंह चौहान का कई अगर की जिला निर्माण संघ परिषद के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, एक बाद अब तक मऊगंज जिला नहीं बन पावा है। साथ ही पूर्व कांग्रेस विधायक सुखेन सिंह बन्ना जिला के मांग लय के मऊगंज में ही 50,000 गिरफ्तारी दिए रहे, पर मौजूदा सरकार मऊगंज जिले के मांग का लय के बिल्कुल गंभीर नहीं दिखा लागी है। वहाँ 2023 विधानसभा के चुनाव से पहले अगर मऊगंज का जिला नहीं बनावा जाए तो मऊगंज जिला निर्माण संघ परिषद के बैनर के तले चुनाव लड़ी ही, जगह खातिर हर पोलिंग बूथ स्तर पर बैठक शुरू कर दी गए। ये जिला को लेकर क्या आपकी आगे रणनीति? मऊगंज जिला बनाने की बात को लेकर के एक हमारा अभियान
गैर राजनीतिक शुरू हुआ था 23 जनवरी 2007 से, एक बड़े धरने के साथ शुरू हुआ था एसडीएम कार्यालय मऊगंज, और वो अभी 23 जनवरी 2022 को 15 वर्ष का कार्यकाल वो अभियान का पूरा हो गया। उसी दिन हम लोगों ने निर्णय लिया परिषद के सभी सदस्यों ने कि अब जिले की जो मांग अपन कर रहे हैं ये अपने प्रतिनिधियों से करते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से करते थे, शिवराज सिंह जी से करते थे, तमाम अपने नेता से करते थे, विधायक मऊगंज से किया करते थे, इसके पहले जो विधायक थे सभी लोगों से किया, वर्तमान के विधायक से भी कई अवसरों पर किया, बगल में माननीय अध्यक्ष जी हैं गिरीश गौतम जी, उनसे भी जिले का प्रस्ताव रखने की बात कई अवसरों पर की। बुलेटिन के अगले खबर सिगरौली से रही, जहां के जियावन थाना के नियरे डाट के रहाय वाला एक पति अपने बेवफा अधेड़ महिला का अपने कुल्हाड़ी से ओकर गर्दन धड़ से आलक कई के हत्या कर दी। एक बाद आरोपी फरार हो गए, जनकर तलाश अब जियावन पुलिस सरगर्मी के साथ कर रही है। हमने बता दें कि जौमे के पुलिस सूत्र से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक जियावन डाट के रहने वाली देवती साहू 40 वर्ष पहले अपन शादी आरोपी शिव प्रसाद साहू के साथ करे रही। 3 साल पहले वो आरोपी शिव प्रसाद साहू को छोड़ के सुरेश साहू का अपन पति बनाए लेन। यही बात कल के महिला देवती साहू और आरोपी शिव प्रसाद साहू के बीच आए दिन लड़ाई होत रही। वहीं आरोपी शिव प्रसाद साहू महिला के गर्दन में ही कुल्हाड़ी से हमला करके उनका मौत के घाट उतार दें, उसके बाद मौका से फरार हो गए। देवसर में जियावन दाड़ में देवती साहू पत्नी राम सुरेश साहू, इसका कत्ल इसके पूर्व पति जो मृतिका के पूर्व पति थे उन्होंने किया है। आरोपी का नाम है शिव प्रसाद साहू और ये ढोंगा जियावन ढोंगा का निवासी है। 4 वर्ष पहले इसने आरोपी को छोड़कर मृतिका राम सुरेश के साथ रह रही थी, उससे 2 बच्चे भी हुए हैं उसको। यह जो है कुल्हाड़ी लेकर के अवसर की तलाश में था और जब इसकी पत्नी पूर्व पत्नी जो है मृतिका छत पे खड़ी थी तो वहां चुपके से ऊपर गया और उसके कंधे में कुल्हाड़ी से वार किया जिससे उसकी गर्दन कट गई। घटना के उपरांत आरोपी फरार हो गया था किंतु पुलिस ने घेराबंदी कर उसको पकड़ लिया है। उसके कब्जे से खून आलूदा कपड़े और काला जर भी है जब्त कर लिया है। तो आज के बघेली बुलेटिन के लाने इतने, तब तक के लाने दे इजाजत। देखते रहिए मारविंद के बघेली समाचार, साथ है चैनल का लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। नमस्कार।